मीडिया में रिपोर्ट हो ना हो, लेकिन सच्चाई कैसे छिप सकती है? अखबार वाले ना छापें, टीवी वाले ना दिखाएं, लेकिन जब आप अपने मरीज को लेकर अस्पताल के पास पहुंचेंगे तो सच्चाई आपको पता चल ही जाएगी। दिल्ली के अस्पतालों का सिस्टम आपको समझना चाहिए। पहले आपको आश्वस्त किया गया कि अस्पतालों की तैयारियां यहां पूरी हैं, फिर अब उन तैयारियों में इतने छेद क्यों नजर आ रहे? कहां गए वो दावे जिनमें कहा जा रहा था कि हम 3-4 लाख बिस्तरों का इंतजाम कर चुके हैं, 40,000-75,000 वेंटिलेटर के ऑर्डर दे चुके हैं, वो सब कहां है? तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। चीन पर मोदी को घेरा, अपनों ने मुंह फेरा, आज का आर पार, टीम बीजेपी वर्सेस टीम कांग्रेस। अहमदाबाद में क्या हुआ? वहां की सरकार ने जिन प्राइवेट अस्पतालों की लिस्ट बनाई उसमें बड़े प्राइवेट अस्पतालों को छोड़ दिया। और आज का सबसे बड़ा सवाल, भारत से कब तक लड़ेगा टिड्डीबाज पाकिस्तान? ये सवाल सिर्फ मैं नहीं, मेरे साथ पूछता है सारा भारत। फिर ये प्रश्न आप पूछिए कि क्या बात है कि जिस उत्साह से शुरू में प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला शुरू हुआ था वो केंद्र सरकार ने क्यों बंद कर दिया? अभी भी सुधर जाइए, देशभक्त हो जाइए, अब्दुल कलाम को मानने वाला मुसलमान बनिए। दिल्ली में 12 से 13 दिनों में कोरोना के केस डबल हो रहे हैं, 31 जुलाई तक 5.5 लाख केस हो जाएंगे। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। तैयारी गुल, सियासत फुल, क्योंकि कोरोना रोकने से रुक नहीं रहा है, ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। अब इसके अलावा जो डॉक्टर लोग पढ़ते हैं, सोचिए उनकी क्या हालत है। MBBS पढ़ने के बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए इम्तहान देना पड़ता है, मगर इनकी परीक्षा 11 जून को एम्स ने रख दी, और इनमें से बहुत से लोग संक्रमित हैं, बहुत से लोग ड्यूटी पर हैं। क्या एम्स को इस वक्त परीक्षा लेनी चाहिए थी? सवाल आज पूछता है भारत, क्या टुकड़े गैंग से ध्यान भटकाने के लिए दंगों से पहले शाहीन बाग में प्रदर्शन वाला नाटक किया गया? 30 साल की नीलम कुमारी गौतम एम्बुलेंस में ही दम तोड़ गईं। गर्भवती थी तो इनके साथ गर्भ में जो बच्चा था वो भी मर गया। 13 घंटे तक घूमते रहे मगर किसी अस्पताल ने भर्ती नहीं किया। नोएडा में ये पहला मामला नहीं है। इन प्रश्नों से ध्यान भटकाने के लिए दिन प्रतिदिन किस किस तरह के मुद्दे लाए जा रहे हैं? जो नारे लगने लगे हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। देखिए यहाँ पर मैं आपको रोक कर समझाना चाहता हूँ। फोटो दिया जाता है, एक स्टेडियम है जिस पर बिस्तर लगे हुए हैं, लेकिन क्लोजअप में ये नहीं दिखाया जाता है कि उस बिस्तर के बगल में ऑक्सीजन की पाइप है कि नहीं है। वेंटिलेटर तो छोड़ दीजिए, ऐसा इंतजाम तो हम गांव में बारात आने के 4 घंटे पहले स्कूल में कर लिया करते थे, झाड़ू लगाकर खटिया पर गद्दा और चादर बिछाकर। क्या कांग्रेस पार्टी सीमा पर खड़े जवानों का मनोबल तोड़ना चाहती है? और अगर है तो बताती क्यों नहीं? वित्त मंत्रालय की एक वरिष्ठ अधिकारी ने फेसबुक पोस्ट पर लिखा है, अगर मेडिकल सुविधाओं की इतनी कमी है तो क्या लॉकडाउन को हटाने का कोई तुक बनता है? क्या बात करते हैं आप, सूरज और चांद को भी बांट लेंगे अब आप? कि सूरज हिंदुओं का हो गया और चांद मुसलमानों का हो गया, क्या लॉजिकल बात करते हैं? गुरुग्राम एक क्लासिक केस है भारत में स्वास्थ्य व्यवस्था में आई कमियों को और हुई गड़बड़ियों को समझने के लिए। इस जिले की आबादी 30 लाख है, एक सरकारी अस्पताल है। गर्मियों की तपती दोपहरी में यहाँ पेड़ों के नीचे इस तरह अलग अलग 6-7 OPD चल रही है। डॉक्टरों के मुताबिक अस्पताल में कोरोना के मरीजों के लिए 10 बेड हैं। तो देश की राजधानी दिल्ली से मात्र 100 किलोमीटर दूर, जहां पर बड़े बड़े राजनीतिक दल सेक्युलरिज्म की कसमें खाते हैं, वहां पर हिंदू अब अल्पसंख्यक बन गए हैं। क्यों हैदराबाद के एक ही अस्पताल में कोविड के मरीजों के इलाज की व्यवस्था की गई? इस यूनिट में 120 डॉक्टर हैं, इनमें से 40 पोस्ट ग्रेजुएट की परीक्षा देने चले गए हैं, बाकी बचे 80 तो आधे क्वारंटीन पर होते हैं और 40 डॉक्टरों को 3 शिफ्ट में काम करना पड़ता है। जाहिर है दबाव बढ़ेगा। न्यूज नेशन ने कल खुलासा किया था कि 70 साल से कैसे हिंदुओं के खिलाफ सबसे बड़ी साजिश चलाई जा रही थी, दिल्ली के नाक के नीचे कैसे जमातियों ने मिनी पाकिस्तान बना डाला है। तो 2000 से ज्यादा डॉक्टर्स, नर्सेज और दूसरे हेल्थ वर्कर्स हैं जिनको पिछले 3 से 4 महीने से सैलरी नहीं मिली है। आखिर कैसे कोई 3 या 4 महीने से बिना सैलरी के काम चलाएगा?
संतों की हत्या को पूरा देश षड्यंत्र मान रहा है, तब सोनिया सेना इसे अफवाह क्यों साबित कर रही है? यह सवाल भी सिर्फ मैं नहीं, सिर्फ आप नहीं पूछता है भारत। लेकिन मुंबई की चिंता सबसे बड़ी ये बस्तियां और झुग्गियां हैं। शहर की करीब 65% आबादी यहाँ रहती है। जमीनी स्तर पर काम करने वाले कई वरिष्ठ डॉक्टर मानते हैं कि बस्तियों में सामुदायिक प्रसार यानी कि कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है। बीमारी बिल्डिंगों से बस्तियों तक पहुंची और करीब 70% मामले ऐसे स्लम से सामने आए। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। अब सैनिटाइजर भी एंटी इस्लाम हो गया, सोचिए जरा। उस वक्त गोदी मीडिया दिन रात इसी तरह के विषयों पर चर्चा किया करता था, बताया करता था कि देश कितने खतरे में है और एंकर कितने बड़े देशभक्त हैं। इतनी ऊर्जा अगर हम देशभक्ति की अस्पताल बनाने में लगाए होते तो आज COVID-19 से मरने वालों को बचा रहे। एक खान मार्केट गैंग है, एक लुटियंस गैंग है, इसमें बड़ी इंटॉलरेंस है कि ये नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री देश का आखिरकार बन कैसे गया? मैं सोनिया गांधी से पूछना चाहता हूं कि उनके लिए देश पहले है या फिर उनके लिए कांग्रेस पार्टी पहले है। आपकी राष्ट्रभक्ति पे तो आपको 26 जनवरी को हाथी पर बिठा के घुमाना चाहिए। बहादुर बच्चों को घुमाते हैं ना।